स्टार प्लस के ब्लॉकबस्टर शो एंड टेलीविजन के नंबर वन शो गुम है किसी के प्यार में शो पर बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है। इस शो में बहुत ही जल्द एक बिल्कुल नया एंट्री होने वाली है और जो एंट्री है वो निगेटिव होने वाला है। तो क्या है पूरी खबर, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में को फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इस शो में अभी हमें सेकेंड जनरेशन की कहानी देखने को मिल रही है। पहले इस शो में हमें मेन लीड्स के तौर पर नजर आई थी आयशा सिंह, जो इस शो में हमें साई जोशी, नील भट्ट, एसीपी बीरा चवन और ऐश्वर्या शर्मा भट्ट हमें पत्रलेखा के रोल में नजर आई थी। इसके दूसरे सीजन में हमें भाविका शर्मा सावी सावन के रोल में और शक्ति अरोड़ा ईशान भोसले के रोल में नजर आ रहे, जो फैंस को काफी ज्यादा वो पसंद आ रही है। इस शो का फर्स्ट एपिसोड हमें 2020 में देखने को मिला था। 2020 से ये शो अब तक दर्शकों का पहला पसंद है। अब इस शो पर बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है कि इस शो में बहुत ही जल्द एंट्री करने वाली है कबीर पंकज सिंह। इस शो में वो एक निगेटिव रोल में नजर आने वाले है। कबीर पंकज सिंह इज प्लेइंग निगेटिव कैरेक्टर इन स्टार प्लस शो गुम है किसी के प्यार में पॉक्रियो एंड साइका एंटरटेनमेंट। जहाँ पर इस शो में वो हमें एक निगेटिव कैरेक्टर में नजर आने वाली है, तो उनके एंट्री से इस शो में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जब गुम है किसी के प्यार में टेलीविजन का नंबर वन शो बना हुआ है, इस हफ्ते इस शो का टीआरपी 2.5 निकल कर आया है। फैंस को कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है, इसलिए टीआरपी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल कर आ रही है। तो आने वाले वक्त में इस शो का टीआरपी और भी ज्यादा अच्छा निकल कर आने वाला है। उसके साथ ही जो अनुपमा शो है उसकी टीआरपी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल कर आ रही है। तो आने वाले वक्त में गुम है किसी के प्यार में को पीछे कर अनुपमा फिर से टेलीविजन का नंबर वन शो भी बन सकता है। तो देखने की बात होगी आने वाले समय में क्या गुम है किसी के प्यार में की टीआरपी और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। ये शो हमें देखने को मिलता है सोमवार से रविवार रात के 8 बजे ओनली ऑन स्टार प्लस। तो क्या आप देखते हैं आपके फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।